हेलो साथियों, आज का जो मेरा टॉपिक है वह आर्डवर है, क्योंकि पिछले क्लास में हमने एडजेक्टिव का कंप्लीट कोर्स पूरा कर लिया है, उसका पूरा थ्योरी को कंप्लीट कर लिया है। तो आज जो हम देखने जा रहे हैं वह आर्डवर है। तो चलिए साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक शुरू करते हैं, आर्डवर के बारे में जानते हैं। तो एडवर्ब क्या है? किसी क्रिया वर्ब की विशेषता बताते हो, किसी क्रिया की विशेषता बताते हो, उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। क्रिया को क्या बोलते हैं? इंग्लिश में वर्ब बोलते हैं, और हिंदी में क्रिया होता है। क्रिया क्या? तो होने को दर्शाता है कोई। जैसे ही वर्क हार्ड, तो वर्क हो रहा है, वर्क क्या हो रहा है? कोई काम हो रहा है। क्रिया क्या? होने को दर्शा रहा है, तो क्या काम होने को दर्शा रहा है। तो यहाँ वर्क क्या हुआ? वर्ब हुआ। हार्ड क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो इस यहाँ पर हार्ड तो वर्ब, एडवर्ब किसको बोलते हैं? जो वर्ब की विशेषता को बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। आगे देखते हैं, किसी विशेषण एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है उसको भी एडवर्ब बोलते हैं। यानी वर्ब की विशेषता के साथ साथ एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। जैसे ही इज वेरी गुड, तो यहाँ गुड क्या है? एडजेक्टिव है, तो गुड एडजेक्टिव है। और क्या? गुड अच्छा तो है ही, लेकिन बहुत अच्छा है, तो बहुत अच्छा करने का सेंस है कि हाँ बहुत क्या है। तो यहाँ पर क्या है? एडवर्ब है, क्योंकि अच्छा तो ही है, उसको बाद में फिर विशेषता बता रहा है। यानी वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो हम कह सकते हैं कि क्रिया को भी, क्रिया की जो विशेषता को बताता है उसको एडवर्ब कहते हैं, और विशेषण की जो विशेषता बताता है उसको क्या बोलते हैं? उसको भी एडवर्ब कहते हैं। आगे देखते हैं, क्रिया विशेषण एडवर्ब की भी विशेषता बताता है, एडवर्ब खुद एडवर्ब को विशेषता बताता है। जैसे सी वर्क्स वेरी हार्ड, सी वर्क्स वेरी हार्ड। हार्ड क्या हुआ? तो एडवर्ब हुआ। और वेरी क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो यानी क्रिया विशेषण एडवर्ब की भी विशेषता बताता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, और वर्ब की भी विशेषता बताता है उसको विशेषण एडवर्ब कहते हैं, और जो विशेषण की जो एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं उसको भी एडवर्ब कहते हैं। तो ये तीन पॉइंट याद है। अगला चौथा पॉइंट है, किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताता है किसको? तो प्रीपोजिशन का, जैसे द हेलीकॉप्टर होवर्ड एक्जैक्टली ओवर हिज हाउस। तो ओवर यहाँ क्या है? प्रीपोजिशन है। एग्जैक्टली क्या है? तो एडवर्ब है। तो यानी ये क्या कर रहा है? प्रीपोजिशन की भी विशेषता बता रहा है कि ओवर एग्जैक्टली, ओवर एग्जैक्टली ओवर हिज हाउस, मतलब हाउस के घर के ऊपर ही है हेलीकॉप्टर क्या होवर्ड कर रहा है। तो यहाँ क्या कर रहा है? ये प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताने का कार्य कर रहा है। आगे देखते हैं, किसी कंजक्शन की भी विशेषता बता सकता है कौन? एडवर्ब। जैसे ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज सी हैज ए क्लियर कंसाइंस। तो ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज, तो बिकॉज यहाँ क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। सिंपली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो ही लाइक्स हर सिंपली बिकॉज ही हैज ए क्लियर कंसाइंस। तो ही क्या हुआ? थर्ड पर्सन का प्रोनाउन हुआ। लाइक्स क्या हुआ? वेफाइव। हर हर क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव के सी का हर हो जाता है। सिंपली बिकॉज सी हैज ए क्लियर कंसाइंस, तो बिकॉज कंजक्शन हुआ और सिंपली क्या हुआ? एडवर्ब हुआ। तो हम बोल सकते हैं कि एडवर्ब क्या है? कंजक्शन की भी विशेषता बताती है। आगे देखते हैं, किसी वाक्य सेंटेंस की भी विशेषता बताती है, पूरे सेंटेंस की भी विशेषता बताने का कार्य करती है एडवर्ब। जैसे फॉर्चुनेटली नो वन वॉज हर्ट, तो फॉर्चुनेटली क्या है? एडवर्ब है। और नो वन वॉज हर्ट क्या है? सेंटेंस, एक सेंटेंस बन रहा है। यानी सेंटेंस क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मिलकर क्या होता है? सेंटेंस का निर्माण करता है। तो यहाँ पर क्या है? फॉर्चुनेटली, मतलब पूरे सेंटेंस में बता रहा है नो वन वॉज हर्ट। तो फॉर्चुनेटली क्या कर रहा है? एडवर्ब का काम कर रहा है। तो हम क्या बहुत सारे पॉइंट को देखें। पहला क्या है कि एडवर्ब जो वर्ब की विशेषता बताता है, यानी क्रिया की विशेषता बताता है। एडवर्ब जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है, और एडवर्ब जो प्रीपोजिशन की भी विशेषता बताता है। फिर एडवर्ब जो कंजक्शन की भी विशेषता बताती है, और एडवर्ब है जो सेंटेंस की भी विशेषता बताती है, और क्या है? एडवर्ब खुद का भी विशेषता बताती है क्रिया विशेषण की भी। तो ये पॉइंट सारे बहुत ध्यान से रखिएगा। चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अगला है समानता, नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का काम। जैसे हमने पिछले क्लास में देखे थे कि नॉन या प्रोनाउन की जो विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, किंतु ऐसे एडवर्ब जो किसी नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, ये एडवर्ब ओनली हुए, इवन हुए, एटलीस्ट और ऑलमोस्ट। जैसे नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताने के लिए हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते थे, लेकिन बहुत सारे ऐसे एडवर्ब हैं जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता भी बताते हैं, किंतु ऐसे एडवर्ब है जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, नॉन या प्रोनाउन की भी विशेषता बताता है। जैसे ओनली, इवन, एट लीस्ट, ऑलमोस्ट, ये सारे क्या करता है? नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बताने का कार्य करता है। जैसे ओनली
आई नो द ट्रूथ। तो आई क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हुआ, सिंगुलर हुआ। तो ओनली क्या हुआ, यहाँ पर एडवर्ब हुआ। तो ये सारा डायरेक्ट क्या है, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। ओनली आई नो द ट्रूथ, अगला ओनली रोहित कैन हेल्प यू। तो ओनली क्या हुआ, एडवर्ब हुआ, रोहित क्या हुआ, नाउन हुआ। तो एक यहाँ पर लेकिन वहाँ पर क्या देखे थे कि एडजेक्टिव ही नॉन या प्रोनाउन को विशेषता बताता है, लेकिन यहाँ क्या देख रहे हैं कि डायरेक्ट एडवर्ब है जो नॉन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है। अब हम एडवर्ब के प्रकार के बारे में चलते हैं। एडवर्ब में पहला है सिंपल एडवर्ब, दूसरा है रिलेटिव एडवर्ब और तीसरा है इंट्रोगेटिव एडवर्ब। तो बारी बारी से देखते हैं सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के बारे में जानते हैं। सिंपल एडवर्ब के द्वारा समय, समय टाइम जिसको टाइम, स्थान, प्लेस, नंबर, संख्या और फ्रीक्वेंसी, ढंग, मैनर, कारण, रीजन बोलते हैं, परिणाम, डिग्री, स्वीकृति अथवा निषेध, अफर्मेशन और निषेध और निगेशन का बोध होता है। तो हम सिंपल एडवर्ब के समय के द्वारा क्या क्या करते हैं, समय, स्थान, संख्या, ढंग, कारण, परिणाम, स्वीकृति अथवा निषेध का बोध होता है। और ये सात प्रकार के होते हैं एडवर्ब ऑफ सिंपल एडवर्ब। पहला कौन है, एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में देखते हैं। तो एडवर्ब ऑफ मैनर सो ढंग बताता है, ये कार्य होने का तरीका बताता है कि कार्य कैसा हो रहा है। तो जैसे जैसे उदाहरण देखते हैं तो ही वर्क्स होनेस्टली, तो काम कर रहा है, कार्य का तरीका को बता रहा है कि कैसे वर्क कर रहा है, तो होनेस्टली कर रहा है। जैसे ही वॉक स्लोली, वॉक कर रहा है, कार क्या कर रहा है, तो चलने का कार्य कर रहा है, तो कैसे चल रहा है, तो स्लोली चल रहा है। यानी एडवर्ब मैनर में क्या बताता है, ढंग बताता है, कार्य किस ढंग किस तरह हो रहा है। आगे देखते हैं, रिमेंबर करना है एक पॉइंट है कि एडजेक्टिव से बनने वाले एडवर्ब जिसके अंत में एलवाई होता है प्रायः एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाता है। यानी एडजेक्टिव से जो बनने वाला एडवर्ब है जिसके अंत में एलवाई लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे स्लो एडजेक्टिव हुआ तो उसको एडवर्ब बनाना है तो स्लोली कर देंगे, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर कहलाते हैं। ग्लैड को ग्लैडली, ऑनेस्ट को ऑनेस्टली। आगे देखते हैं मिसर, इसको मिजर भी पढ़ते हैं, माइसर, निगार्ड एवं कोवार्ड ऐसे नॉन है जिनके एडजेक्टिव फॉर्म को हम एडवर्ब फॉर्म मानने की गलती कर बैठते हैं। इस नॉन के एडजेक्टिव एवं एडवर्ब फॉर्म इस प्रकार है, जो ये सारे जो है इसको हम एडजेक्टिव को फॉर्म को हम एडवर्ब फॉर्म कर लेते हैं। ये जो लिखा हुआ है माइसर, निगार्ड, कोवार्ड, ये सारे ऐसे नॉन है जिनके एडजेक्टिव जो एडजेक्टिव फॉर्म को हम लोग एडवर्ब मार लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है, एडजेक्टिव फॉर्म होता है या नॉन फॉर्म होता है, लेकिन उसको एडवर्ब फॉर्म में अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। जैसे नॉन फॉर्म में क्वाड को क्वाड लिखते हैं, एडजेक्टिव फॉर्म में क्वाडेली होता है, सी ओ डब्ल्यू आर डी एल वाई लग जाएगा, और एडवर्ब फॉर्म में इन्हें क्वाडेली मैनर हो जाएगा। तीनों का अंतर देख लीजिएगा। अगला निगार्ड, निगार्ड क्या हुआ, तो नॉन फॉर्म में हुआ, एडजेक्टिव फॉर्म में निगार्डली और एडवर्ब फॉर्म में इन्हें निगार्डली मैनर हो जाएगा। अगला माइसर, तो माइसर क्या हुआ, नॉन फॉर्म में, एडजेक्टिव फॉर्म में माइसरली हुआ और एडवर्ब फॉर्म में इन्हें माइसरली मैनर हो जाएगा। अगला स्कॉलर, स्कॉलर क्या है, नॉन फॉर्म में और एडजेक्टिव फॉर्म में स्कॉलरली और एडवर्ब फॉर्म में इन्हें स्कॉलरली मैनर हो जाएगा। आगे देखते हैं उदाहरण के बारे में देखते हैं। जैसे ही इस माइसर, माइसर, माइसर क्या है, नॉन है, अतः माइसर के पहले ए का प्रयोग हुआ, ही इज ए माइसर, क्योंकि अभी ऊपर देखें कि माइसर क्या है, नॉन है और उसका एडजेक्टिव क्या होता है, माइसरली होता है, ये बात याद रखिएगा। आगे है इट इज, ही इज ए माइसर मैन, ही इज ए माइसर मैन, तो मैन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव माइसरली का प्रयोग होगा। यहाँ पर ही इज ए माइसरली मैन होगा, क्या होगा, माइसरली मैन, क्योंकि माइसर क्या है, नाउन है, माइसरली क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। अगला ही बिहेव माइसरली, ही बिहेव्ड माइसरली, तो यहाँ बिहेव क्या है, वर्ब है, तो क्रिया की विशेषता बताने के लिए क्या करेंगे, एडजेक्टिव नहीं एडवर्ब को चाहिए, एडजेक्टिव जो माइसरली है इसको एडवर्ब में चेंज कर देंगे, इन ही बिहेव्ड इन ए माइसरली मैनर, क्योंकि बिहेव्ड क्या है, तो वर्ब है, तो वर्ब की विशेषता कौन बताएगा, एडवर्ब बताएगा, तो हमको एडजेक्टिव नहीं चाहिए और यहाँ क्या दिया हुआ, एडजेक्टिव दिया है, क्योंकि माइसरली क्या है, एडजेक्टिव है, नॉन इसका माइसरली का नॉन फॉर्म क्या होता है, तो माइसर होता है, तो एडवर्ब फॉर्म क्या होगा, एडवर्ब फॉर्म होगा इन ए माइसरली मैनर, जिसे ऊपर अभी देखे थे। यहाँ पर देखिए एक ध्यान रखिएगा, इसको क्वाड नाउन होता है तो इसका एडजेक्टिव क्वाडली और इन्हें क्वाडली मैनर, उसी तरह माइसर, इसका एडजेक्टिव माइसरली और इन्हें माइसरली मैनर एडवर्ब होगा। आगे देखते हैं, रिमेंबर करना कुछ पॉइंट है।
कि कुछ शब्द एक ही रूप फॉर्म में एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग हो जाते हैं। कुछ जो शब्द हैं हमारे इंग्लिश में कि एक रूप एक फॉर्म में एडवर्ब और एडजेक्टिव की तरह प्रयोग होते हैं, जैसे फास्ट बोलें, स्ट्रेट बोलें और आउटराइट बोलें, डायरेक्ट बोलें, हार्ड, लेट, हाई, सेफ, क्वाइट इत्यादि एडजेक्टिव एवं एडवर्ब दोनों फॉर्म में प्रयोग होता है। ये पॉइंट याद रखिएगा। हार्ड यहाँ पर क्या क्या हुआ, फास्ट हुआ, स्ट्रेट हुआ, आउटराइट हुआ, डायरेक्ट हुआ, हार्ड हुआ, लेट हुआ, हाई हुआ, सेफ हुआ, क्वाइट, ये सारी ऐसा जो शब्द है जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, ही वर्क्स हार्ड, तो वर्क्स क्या हुआ, यहाँ पर वर्क्स का काम को बता रहा है, तो यहाँ वर्क्स हार्ड, यहाँ पर जो हार्ड यूज हुआ एडवर्ब के फॉर्म में हुआ। यहाँ पर देखिए, दिस इज ए हार्ड टास्क, तो टास्क नाउन है तो इसके लिए विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव हार्ड हुआ। यहाँ पर क्या वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो एडवर्ब हो गया। जैसे ही वो वेक्स अप योरली, तो यहाँ एडवर्ब के रूप में यूज हुआ वर्ब की विशेषता, तो यहाँ पर देखिए ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट, ही केम बाय एन अर्ली फ्लाइट, तो अर्ली यहाँ पर क्या हुआ एडजेक्टिव हो गया। अगला डू नॉट टॉक लाउड, तो यहाँ पर लाउड क्या हुआ एडवर्ब हुआ, टॉक क्या हुआ वर्ब हुआ, तो वर्ब की विशेषता कौन बताते हैं एडवर्ब बताती है। यहाँ पर देखिए, वी शुड नॉट स्पीक इन ए लाउड टोन, तो टोन क्या हुआ नॉन हुआ, उसकी विशेषता कौन बताइए, तो एडजेक्टिव बताइए। आगे रन फर्स्ट, तो रन वर्ब है, उसकी विशेषता फर्स्ट एडवर्ब बता रही है। अगला में है ही इज ए फर्स्ट रनर, तो रनर क्या है, तो नॉन है, तो फर्स्ट क्या है एडजेक्टिव है। तो यहाँ पर फर्स्ट देखिए, दोनों एक ही शब्द है लेकिन उसका प्रयोग अलग अलग हो रहा है, एक एडवर्ब का काम कर रहा है तो एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है। शब्दों मतलब कि सेंटेंस के अनुसार क्या होता है, चेंज हो जाता है। शब्द लेटर एक ही है, शब्द एक ही है लेकिन उसका अलग अलग फॉर्म में प्रयोग कैसे करते हैं। जैसे ही वेटेड लॉन्ग फॉर मी, ही वेटेड, तो वेटेड क्या हुआ लॉन्ग फॉर मी, लॉन्ग क्या हुआ एडवर्ब हुआ। यहाँ पर देखें, ही वेंट ऑन ए लॉन्ग जर्नी, जर्नी नॉन हुआ, लॉन्ग क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ, तो यहाँ पर लॉन्ग का यूज एडजेक्टिव के तौर पर किया और यहाँ पर लॉन्ग का यूज एडवर्ब के तौर पर किया। अगला कम नियर, तो कम भर हुआ, नियर क्या हुआ एडवर्ब हुआ। ये यहाँ पर देखिए, ही इज ऑफ माय नियर रिलेशन, तो रिलेशन नाउन हुआ, नियर क्या हुआ एडजेक्टिव हुआ, तो यहाँ का जो नियर यूज हुआ है वह एडजेक्टिव के तौर पर, यहाँ का नियर हुआ एडवर्ब के तौर पर। तो हम ये सारे वर्ड को इम्पोर्टेंट की तरह मानेंगे क्योंकि ये सारे बहुत ज़रूरी है कि कब हार्ड जब कब इसको हम एडवर्ब और एडजेक्टिव दोनों में यूज कर सकते हैं ये सारे वर्ड को। आगे देखते हैं, किंतु कुछ एडवर्ब के दो रूपों का अर्थ भिन्न होता है। कुछ बहुत सारे एडवर्ब है जिसका एडजेक्टिव और एडजेक्टिव, बहुत सारे शब्द है जिसको एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों में प्रयोग करते हैं, लेकिन बहुत सा ऐसा है कि एडवर्ब को दो रूपों में अर्थ भिन्न होता है। जैसे लेट लेटरली, लेट मतलब होता है देर से, लेटरली मतलब होता है हाल फिलहाल का। जैसे उदाहरण देखते हैं, आई हैवंट सीन अकीला लेटरली, लेटरली हाल फिलहाल में मैं अकीला को अभी नहीं देखा। अगला ही केम लेट फॉर द मीटिंग, लेट मतलब देर से पहुंचा। आगे देखते हैं हार्ड एवं हार्डली का, हार्ड मतलब होता है मेहनत से और हार्डली मतलब होता है मुश्किल से। जैसे सी वर्क्स हार्डली टू मेक बोथ इनमेट्स, तो बी सी वर्क्स हार्डली नहीं होगा, यहाँ हार्ड होगा क्योंकि मेहनत से काम करा कर दोनों अपने गुजर दोनों शाम को गुजर बसर करने के लिए क्या कर रहा है हार्ड कर रहा है, हार्ड होगा मुश्किल से नहीं मेहनत से। अगला ही हार्डली डस एनी वर्क, ही हार्ड मुश्किल से कोई कार्य कर रहा है। आगे फ्री एंड फ्रेयरली, फ्री मतलब होता है मुफ्त में और फ्रेयरली मतलब होता है स्वतंत्रता से। तो देखिए, बी कैन मूव अबाउट फ्रीली इन इंडिया, मतलब स्वतंत्र रूप से आप कहीं भी घूम सकते हैं। अगला देखिए, राइड्स आर प्रोवाइडेड फ्री इन दिस वाटर पार्क, मतलब फ्री मुफ्त में आपको दिया जा रहा है इस वाटर पार्क में आपको क्या टहलने के लिए। तो यह बात ध्यान रखिएगा कि फ्री का यूज़ और फेयरली का यूज़ किस तरह करते हैं। आगे देखते हैं, लाउडली एंड अलाउड एडवर्ब है लेकिन अर्थ भी में लाउडली और अलाउड क्या है एडवर्ब है, ये दोनों एडवर्ब है लेकिन इसका दोनों का अर्थ भिन्न है। अलाउड का अर्थ होता है इतनी तेजी आवाज ताकि वक्ता ऑडिबल हो, परंतु लाउडली का अर्थ होता है विथ ए लॉट ऑफ नॉइस। अलाउड का कहने का सेंस है कि आप इतना आवाज़ निकालें ताकि वक्ता क्या हो सके आपको सुन सके, लेकिन लाउडली का अर्थ होता है कि नॉइस के साथ हो सके। तो लाउडली और ऑडिबल में आप अंतर पता कर लिए। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमारा दूसरा एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम शो करता है वेन मतलब समय, ये कार होने का समय बताता है। जैसे आई केम लेट,
तो समय दर्शाने वाले मुख एडवर्ब निम्नलिखित हैं, जैसे बोलते हैं आफ्टर, आफ्टर तो ये क्या बोल रहा है, एक समय दिखा रहा है कि हम बाद में जाएंगे, एगो, ईयरली, लेट, नाउ, देन, सून, टुडे, ये सारे क्या हुआ, समय दिखा रहा है, टुडे, आज, टुमारो, कल, मतलब कि कल हम आएंगे, मतलब कि एक तरह से एक समय को शो कर रहा है। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या करता है, समय को शो करता है, बिन समय, ये कार के समय को बताता है, तो एडवर्ब ऑफ टाइम समझ गए। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो एडवर्ब ऑफ प्लेस वो क्या करता है, स्थान को, बेयर कहाँ पर है, और जब टाइम रहेगा तो बेन हो जाएगा, ये कार होने का स्थान बताता है, जैसे आई कुड नॉट फाइंड हिम एनी वेयर, तो एनी वेयर क्या हुआ, स्थान को डिनोट कर रहा है, यानी स्थान, स्थान दर्शाने वाले मुख्य एडवर्ब के बारे में देखते हैं, हियर, देयर, इन, आउट, अप, डाउन, विथिन, एवर, बिलो, ये सारे ऐसे एडवर्ब जो क्या करता है, प्लेस को दिखाने, इंडिक करता है, स्थान को दर्शाता है। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर शो हाउ ऑफन, कितनी बार ये कार होने की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति बताता है, हाउ ऑफन, कितनी बार ये कार होने की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को बताता है, जैसे आई कैन नेवर डू सो, तो नेवर, ये नेवर क्या हुआ, यहाँ पर एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑन हुआ, यानी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी और नंबर शो क्या करता है, हाउ ऑफन, कितनी बार ये कार होने की फ्रीक्वेंसी आवृत्ति को बताता है, तो आई कैन नेवर डू सो, तो नेवर यहाँ क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी हुआ, कितनी बार, आई कैन नेवर, कभी भी नहीं, यहाँ पर सी सेल्डम गोस देयर, सेल्डम प्राय, सी ऑफन कम्स टू मीटिंग, ऑफन, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी दिखा रहा है, क्या आवृत्ति को दिखा रहा है। अगला है फ्रीक्वेंसी को दर्शाने वाले मुख एडवर्ब निम्नलिखित है, यह ध्यान रखिएगा, वंस, ट्वाइस, दो बार, ट्राई, तीन बार, ऑलवेज, हमेशा, नेवर, कभी भी नहीं, सेल्डम, ऑफन, प्राय के सेंस में फ्रीक्वेंटली, ये सारे ऐसे एडवर्ब जो क्या करता है, फ्रीक्वेंसी और नंबर को दिखाता है। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ डिग्री सो हाउ मच, परिणाम, ये बताता है कार कितना अधिक है या कितना कम है, कितना अधिक हुआ या कितना कम हुआ, जैसे द वर्क इज ऑलमोस्ट कम्प्लीट, मतलब लगभग पूरा हो रहा गया, तो यहाँ पर क्या करा, परिणाम, परिमाण को दिखाता है, कितना हुआ या कितना कम हुआ, जैसे आई एम क्वाइट वेल, तो डिग्री को दर्शाने वाले मुख एडवर्ब है, डिग्री को दर्शाने वाले कुछ एडवर्ब के बारे में देखते हैं, पहला वेरी हुआ, दूसरा मच हुआ, मोर हुआ, टू हुआ, क्वाइट हुआ, लिटिल हुआ, ऑलमोस्ट, ये सारे ऐसे एडवर्ब जो क्या करता है, डिग्री को दिखाने का कार्य करता है, यानी हाउ मच, परिमाण को दिखाने का काम करता है, तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाते हैं। अगला है एडवर्ब ऑफ रीजन, तो एडवर्ब ऑफ रीजन सो बाई, कारण, ये कारण बताता है, रीजन क्या करता है, कारण बताता है एडवर्ब ऑफ रीजन, जैसे आई कुड नॉट कम बिकॉज आई वॉज नॉट वेल, तो कहीं नहीं आ सकते हैं, तो बिकॉज कारण बता रहा है, क्योंकि मैं बीमार हूँ, वेल नहीं हूँ, अच्छा नहीं हूँ, ठीक ठाक नहीं हुआ, इसीलिए ये एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाया। अगला, आई डोंट लाइक हिम सिंस ही वॉज चीटेड मेनी पीपल सिंस, तो एडवर्ब ऑफ रीजन, रीजन को दर्शाने वाले एडवर्ब कुछ हैं, जैसे देखिए, सो, हिंस, हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसिक्वेंटली, कौन कौन, सो, हेंस, देयरफॉर, ऑन अकाउंट ऑफ, कंसिक्वेंटली, ये सारे ऐसे एडवर्ब जो क्या करता है, रीजन को दिखाता है। तो ये इतना सारे हम लोग समझ गए, इतना सारे आपको ध्यान रखना है कि इतना सारे हम लोग एडवर्ब ऑफ रीजन, टाइम, फ्रीक्वेंसी इत्यादि को बताने वाले एडवर्ब को जान पाएँ। अब आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव, स्वीकारात्मक के बारे में जानते हैं, शी विल ट्रूली हेल्प यू, आई विल श्योरली रिप्लाई द लॉयन, तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेटिव के बारे में जानते हैं, अफर्मेशन को दर्शाने वाले एडवर्ब निम्नलिखित हैं, कौन कौन है, तो अफर्मेशन को दर्शाने वाले हैं, तो पहला होता है स्वेयरली, सर्टनली और ट्रूली, ये सारे क्या हुआ एडवर्ब ऐसा है जो अफर्मेशन को, अफर्मेटिव को दिखाता है, यानी स्वीकारात्मक को दिखाता है। आगे देखते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, निषेधात्मक, निषेधात्मक मतलब कौन होता है, सी डिड नॉट रिप्लाई टू माई लेटर, जैसे आई एम नेवर चीटेड एनीबडी, तो नेगेशन को दर्शाने वाला एडवर्ब कौन है, नो, नॉट, ओ, नेवर, ये सारे ऐसे एडवर्ब जो क्या करता है, नेगेशन को दर्शाने का कार्य करता है, ये याद ध्यान रखिएगा बात को। आगे देखते हैं रिलेटिव एडवर्ब, क्या देख रहे हैं, रिलेटिव एडवर्ब, तो रिलेटिव एडवर्ब वाक्यों को जोड़ता है, क्या करता है, वाक्यों को, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, कौन करता है, तो रिलेटिव एडवर्ब अपने एंटीसीडेंट यानी पूर्व प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन की ओर संकेत करते हुए टाइम, समय, प्लेस, जगह, रीजन एंड मैनर बताता है, रिलेटिव एडवर्ब।
बेन, वेयर, वाई और हाउ है। जैसे आई डोंट नो बेयर ही हैज गोन, तो नो बेयर, तो रिलेटिव एडवर्ब क्या होगा, बात को जोड़ने का काम करता है। अपने एंटीसीडेंट पूर्व प्रयुक्त नॉन या प्रोनाउन की ओर संकेत करता है, टाइम के बारे में, प्लेस के बारे में, रीजन के बारे में। जो आई डोंट नो, नहीं जानते, बेयर ही हैज गोन, ही विल कम, वेन आई कॉल यू, वेन आई कॉल यू, तो ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम करता है। एडवर्ब ऑफ रिलेटिव एडवर्ब। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में जानते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब जैसे बाई, वेन, बेयर, हाउ, तो बाई आर यू सरप्राइज, तो इंट्रोगेशन हुआ, क्वेश्चन हुआ, ये क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। बेयर हैज सी सीन मी, आप देखते हैं, ये हम देख लिए इंट्रोगेटिव। अब हम देखते हैं एडवर्ब का कंपैरिजन, यानी एडजेक्टिव के बाद ही कुछ एडवर्ब की भी डिग्री कंपैरिजन होती है। तो जैसे हम एडजेक्टिव में पढ़ें तो पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसी तरह एडवर्ब में भी होती है कुछ डिग्री, पॉजिटिव डिग्री उसको और सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री के फॉर्म में लिखते हैं। तो चलिए देखते हैं एक बार, बारी तो बारी बारी वैसे। पहले हार्ड, तो कंपैरेटिव बनाने के लिए ईआर लगा दिए, हार्डर, हार्डेस्ट, फास्ट, तो फास्टर, फास्टेस्ट, सून, तो इसको कंपैरेटिव बनाने के लिए सूनर, सूनेस्ट, नियर, तो नियरर, नियरेस्ट, ईयरली, ईयरलियर, ईयरलीस्ट। अगला ब्यूटीफुली, तो मोर ब्यूटीफुली, मोस्ट ब्यूटीफुली, एडजेक्टिव में भी देखे होंगे कि हम इसी तरह बनाए थे इसको। अब क्लियरली में लास्ट में जब कॉन्सोनेंट था तो उसको आई आर में चेंज करते थे, और सुपरलेटिव में आई एस टी में, मोस्टली उसी से रिलेटेड है। केयरफुली, तो मोर केयरफुली, मोर मोस्ट केयरफुली, ये क्या हुआ, दो सिलेबल से अधिक वाले को हम बनाते कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने के लिए मोर या मोस्ट लगाते थे। अगला स्विफ्टली, तो मोर स्विफ्टली या मोस्ट स्विफ्टली, स्लोली, तो मोर स्लोली, तो मोस्ट स्लोली, वाइसली, तो मोर वाइसली और मोस्ट वाइसली। आगे देखिए इल या बैडली को वर्ड्स लिखते थे और वर्स्ट लिखते थे सुपरलेटिव में, फोर्थ को फर्दर कंपैरेटिव और फर्दर सुपरलेटिव, फॉर फर्दर कंपैरेटिव, फर्दर सुपरलेटिव, लेट, लेटर, लेटेस्ट या लास्ट, लिटिल, लेस, लिस्ट, मच, मोर, मोस्ट, वेल, वेटर, वेस्ट, ये सारे कंपैरेटिव सुपरलेटिव का है। आप ध्यान इसको पढ़ लीजिएगा, याद रहने का। आगे प्रीपोजिशन ऑफ एडवर्ब। अब हम एडवर्ब के पोजीशन के बारे में बात करते हैं। जैसे एडवर्ब से उस शब्द के निकट रखा जाता है जो यह मॉडिफाई करता है। यदि एडवर्ब का पोजीशन को बदल दिया जाए तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। जैसे ओनली सी सो माय ड्रेस, ओनली सी सो पास्ट का वाक्य माय ड्रेस, तो केवल उसने किसी और ने, केवल क्या है, उसने किसी और ने नहीं देखा। अगर ओनली सो माय ड्रेस, यानी केवल देखा और कुछ नहीं, जैसे सी सो ओनली माय ड्रेस, केवल मेरी ड्रेस देखी, किसी और की नहीं। सी सो ओनली माय ड्रेस, केवल मेरी ड्रेस देखी। आगे देखिए यहाँ पर सी सो माय ओनली ड्रेस, ड्रेस के पहले ओनली लगाया, यानी एकमात्र ड्रेस जो मेरे पास थी। अगला सी सो माय ड्रेस ओनली, तो केवल ड्रेस पूछते क्या, कुछ नहीं, केवल ड्रेस के बारे में बताया गया, सी सो माई ड्रेस ओनली। तो यहाँ पर देखिए ओनली को अलग अलग स्थान पर प्रयुक्त करने से उसके शब्द में अंतर आता है, उसके सेंटेंस में अर्थ में बदलाव आती है। जैसे ओनली सी सो, यानी सब्जेक्ट के पहले लगाए, सी सो माई ड्रेस, तो केवल उसने मेरी, किसी और की नहीं, केवल क्या करी, मेरी देखी क्या चीज़, तो ड्रेस, तो केवल उसने किसी और ने नहीं देखा, केवल उसने देखा और किसी और ने नहीं। आई सी ओनली सो माई ड्रेस, तो केवल देखा और कुछ नहीं, केवल सी ओनली सो माई ड्रेस। तो यानी कहने का मतलब भिविन ये एडवर्ब को अलग अलग जगह पर पोजीशन पर प्रयोग करने से उसके अर्थ में उसके बदलाव देखने को मिलती है। आगे देखते हैं बाक के आराम में एट द बिगनिंग के बारे में जाते हैं। इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग सदैव सेंटेंस के आराम में होता है। जैसे बेन आर यू रिटर्निंग होम, बेन क्या हुआ, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हुआ। आगे देखते हैं सारे वाक्य को मॉडिफाई करने के लिए एडवर्ब आराम में प्रयुक्त होते हैं। जैसे ऊपर में देखे तो स्वेयरली आई विल टेक केयर ऑफ यू।
अगला एम्फेसिस के लिए एडवर्ब आराम में प्रयुक्त होते हैं, जैसे ऑफ सी गोज, हियर कम्स एट द प्रिंस। आगे दो वाक्यों के मध्य में, इन द मिडिल में भी हम एडवर्ब ऑफ दो वाक्यों के मध्य के बारे में देखते हैं। कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम जैसे ऑलवेज, नेवर, एवर, ऑफेन, सिल्डम, समटाइम्स आदि उन वर्ब से पहले प्रयुक्त होता है जिनको ये मॉडिफाई करता है। जैसे सी नेवर कम्स हियर, तो वर्ब के पहले प्रयुक्त हुआ सी नेवर कम्स हियर। आई सिल्डम गो देयर, तो सिल्डम का प्रयोग वर्ब के पहले हुआ जिनको मॉडिफाई करने का कार्य कर रहा। आगे है कि जब सेंटेंस में ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा तो एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। कोई सेंटेंस है उसमें क्या ऑक्सिलरी वर्ब दे रखा हो तो उसमें एडवर्ब का प्रयोग ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब के बीच में होता है। जैसे ही विल नेवर कम हियर, तो विल क्या हुआ मेन हेल्पिंग वर्ब हुआ, कम मेन वर्ब हुआ, तो वहाँ पर दोनों के बीच में जो नेवर हुआ क्या हुआ एडवर्ब हुआ। आगे आई हैव सेल्डम गोन देयर, तो हैव हेल्पिंग वर्ब और गोन दोनों के बीच में एडवर्ब सेल्डम है। आगे वर्ब टू बी, वर्ब टू बी के फॉर्म देखते हैं का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो या हेल्पिंग वर्ब की तरह हो। एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद होगा। वर्ब टू बी का प्रयोग यदि मेन वर्ब की तरह करते हैं यदि हेल्पिंग वर्ब की तरह करते हैं तो हमेशा एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद ही होगा। जैसे सी इज ऑलवेज हैप्पी, तो इस क्या हुआ मेन वर्ब हुआ, उसके बाद हम ऑलवेज एडवर्ब का प्रयोग किए हैं। जैसे आई एम नेवर सैड, तो आई एम क्या हुआ मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या करें एडवर्ब का प्रयोग किए हैं। अला ही इज ऑलवेज प्रेस्ड फॉर हिज स्वीट वॉइस, इज क्या हुआ हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद एडवर्ब का प्रयोग किए एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद किए और मेन वर्ब से पहले करें, तो वर्ब टू बी का प्रयोग मेन वर्ब की तरह हो या हेल्पिंग वर्ब की तरह, एडवर्ब का प्रयोग वर्ब के बाद ही किया जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं सी द फॉलोइंग सेंटेंस, ही कम ऑफन एवरी संडे, ही कम्स ऑफन एवरी संडे, तो बिफोर, तो यहाँ पर प्ले ऑफन के जगह पर बिफोर होगा ऑफन ही, सी ऑफन यहाँ पर होगा, सॉरी सी यहाँ पर हो जाएगा सी ऑफन कम्स एवरी संडे, ऑफन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर कम्स के जगह पर क्या करेंगे ऑफन का प्लेस को ऑफन करेंगे कम्स के पहले। अला ही गोज यूजली टू शॉप एवरी संडे, तो प्लस यूजली को गोज के पहले कर देंगे। ही इज ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि यहाँ पर अभी देखेंगे कि ये एडवर्ब का प्रयोग क्या करते हैं मेन वर्ब का पहले करते हैं, मेन वर्ब के पहले, ठीक इसी तरह यहाँ पर यही गलती हुआ कि यहाँ पर कम्स वर्ब उसके बाद किया गया तो इसको हमको पहले कर देना है। यहाँ भी यही गलत है कि यहाँ पर सी ही गोस यूजली टू शॉप एवरी संडे, तो यहाँ ही यूजली गोस होगा क्योंकि एडवर्ब का प्रयोग हम मेन वर्ब के पहले करते हैं। आगे देखते हैं यूज ऑफ सम एडवर्ब देखते हैं, जैसे भेरी तथा मच के प्रयोग में अंतर एवं समानता। भेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे बोलें वेरी गुड, वेरी वाइज, वेरी लक्की, वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है, जैसे मच बेटर, मच वाइजर, मच लक्कीर, मच मोर ऑनेस्ट। तो हम बोलें कि वेरी का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ होता है और मच का प्रयोग कंपैरेटिव डिग्री के साथ होता है। अब वेरी मच प्लस कंपैरेटिव, वेरी मच प्लस कंपैरेटिव का प्रयोग होता है, जैसे वेरी मच बेटर, वेरी मच वाइजर, वेरी मच लकीयर, यानी वेरी मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होता है। यदि वेरी के बाद प्रयोग करना है तो पॉजिटिव डिग्री और मच के बाद कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। दे वेयर द वेरी बेस्ट वॉय, तो बेस्ट के और सुपरलेटिव वेरी के पहले द का प्रयोग किए। आगे वेरी का प्रयोग प्रेजेंट पार्टिसिपल के पहले होता है, जैसे वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी डेयरिंग, वेरी कंफ्यूजिंग, वेरी बोरिंग, वेरी एंटरटेनिंग। किंतु मच का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के साथ, जैसे मच सरप्राइज्ड, मच ग्रेव्ड, मच डिमा, मच अडमायर। तो वेरी का प्रयोग कब करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल से पहले, प्रेजेंट पार्टिसिपल बिफोर से पहले
और पास्ट पार्टिसिपल के पहले मच का प्रयोग करते हैं। वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल के पहले नहीं होता किंतु निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग होता है। निम्नलिखित पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का प्रयोग करते हैं। ऊपर में देखें क्या कि वेरी का प्रयोग कहाँ करते हैं तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में, और मच का प्रयोग कहाँ करते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल में। वेरी का प्रयोग पास्ट पार्टिसिपल में नहीं करते हैं लेकिन पास्ट पार्टिसिपल के पहले वेरी का कुछ शब्दों में प्रयोग करते हैं, जैसे वेरी टायर्ड, वेरी डिजेक्टेड, वेरी कंटेंट, वेरी डिसकंटेंट, वेरी प्लेस्ड, वेरी ड्रंक, वेरी लिमिटेड, वेरी डिलाइटेड। तो इन सारे में क्या करते हैं, वेरी का प्रयोग करते हैं पास्ट पार्टिसिपल में भी, ये सारे में। अगला है क्वाइट का अर्थ परफेक्टली या कम्प्लीटली यानी पूर्णतः या पूर्ण रूपेण, और इसका प्रयोग वेरी की जगह नहीं होता है, जैसे सी इज क्वाइट लवली तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, सी इज वेरी लवली हो जाएगा। क्वाइट का अर्थ परफेक्टली या कम्प्लीटली पूर्णतः या पूर्ण रूपेण होता है, इसका अर्थ वेरी नहीं होता, तो सी इज वेरी लवली, अगला यू आर क्वाइट हैंडसम तो यू आर वेरी हैंडसम हो जाएगा। क्वाइट का अर्थ होता है परफेक्टली या कम्प्लीट, और इसका प्रयोग वेरी की तरह जगह नहीं होगा। आगे देखते हैं फेयर एवं रैदर का प्रयोग, जैसे फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव वेरी के साथ होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली गुड एक्सेट्रा, किंतु रैदर का प्रयोग पॉजिटिव तथा कंपेरेटिव वेरी के साथ होता है, जैसे रैदर वेड वैड, रैदर डिफिकल्ट, रैदर वर्स, रैदर हॉटर। तो इसके साथ कंपेरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, और रैदर का प्रयोग पॉजिटिव तथा कंपेरेटिव डिग्री का भी प्रयोग के साथ करते हैं, लेकिन फेयरली का प्रयोग पॉजिटिव डिग्री के साथ करते हैं। फेयरली के वर्ड टू का प्रयोग नहीं होता जबकि रैदर के वर्ड टू का प्रयोग भी होता है, जैसे फेयरली टू गुड कहना गलत है लेकिन रैदर टू गुड कहना सही है, क्योंकि फेयरली के बाद टू का प्रयोग नहीं करते हैं। फेयरली के बाद प्लेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल एक्सेट्रा। आगे देखते हैं यहाँ पर देख लिए थे, आगे देखते हैं रैदर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का जैसे बोले रैदर विक्ट, रैदर डिफिकल्ट, रैदर ट्रेवलसम, रैदर डल एक्सेट्रा, किंतु रैदर अम्यूजिंग, रैदर गुड, रैदर क्लेवर, रैदर प्रेटी, रैदर ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जा सकता है। रैदर के बाद अनप्लीजेंट एडजेक्टिव का जैसे रैदर विक्ट, रैदर डिफिकल्ट, रैदर ट्रेवलसम, रैदर डल एक्सेट्रा, किंतु रैदर अम्यूजिंग, रैदर गुड, रैदर क्लेवर, रैदर प्रेटी, रैदर ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जा सकता है। अब टू का अर्थ वाला देखते हैं, टू का अर्थ होता है आल्सो, जैसे आई वॉज टू इन्वाइटेड टू टी, और टू का अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड यानी आवश्यकता से अधिक भी होता है। इसका प्रयोग अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ होता है, जैसे टू वाइड, टू नॉटी, टू विक्ट, टू फॉइट, फैट, टू डल एक्सेट्रा, अतः टू ग्लैड, टू हैप्पी, टू प्लीज, टू हेल्दी आदि कहना गलत है। टू ग्लैड, टू हैप्पी, टी ओ टू हैप्पी, टू प्लीज और टू हेल्दी कहना गलत होगा। जैसे आई एम टू ग्लैड टू मीट यू का अर्थ होता है मैं आपसे मिलकर इतना खुश हूँ जितना नहीं होना चाहिए। इस बात का शुद्ध रूप आई एम वेरी ग्लैड, टू ग्लैड आई एम वेरी ग्लैड टू मीट यू, टू के साथ टी ओ वाला टू, टी डबल ओ टू के साथ टू पर आधारित वाक्यों में टू के बाद अर्थ के अनुसार प्लेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग भी हो सकता है, जैसे हु इज टू इंटेलिजेंट टू बी चीटेड यानी ही सो इंटेलिजेंट डैट ही कैनॉट बी चीटेड। तो यहाँ पर यह देखें कि फेयरली के बाद प्लेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, फेयरली के बाद कैसा एडजेक्टिव तो प्लेजेंट, फेयरली वाइज, फेयरली ब्यूटीफुल, और रैदर के बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव, रैदर के बाद अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का जैसे रैदर विक्ट, रैदर डिफिकल्ट, रैदर ट्रबलसम, रैदर डल, किंतु रैदर अम्यूजिंग, रैदर गुड, रैदर क्लेवर, रैदर प्रिटी, रैदर ब्यूटीफुल का प्रयोग किया जा सकता है। फेयरली के साथ क्या करते हैं, प्लेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं, रैदर के साथ अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं।
टू का अर्थ होता है ऑल्सो, टू का अर्थ जैसे आई वॉज टू टू आई टू वॉज इन्वाइटेड टू टू, टू का अर्थ होता है मोर देन रिक्वायर्ड के फॉर्म में भी। अगर टू प्लस एडजेक्टिव देखते हैं जैसे ही इज़ टू टॉल, कहने का मतलब वह इतना ज़्यादा लंबा जितना नहीं होना चाहिए था, ही वॉज टू टॉल। जैसे सी इज़ टू स्लिम, तो वह इतनी ज़्यादा दुबली पतली है जितनी नहीं होना चाहिए। जैसे इट इज़ टू कोल्ड, तो इतनी अधिक ठंड नहीं है, नहीं इतनी ठंड है जितना नहीं होना चाहिए। टू प्लस एडजेक्टिव का फॉर्म देखें, हम नहीं देख रहे हैं वेरी प्लस एडजेक्टिव का फॉर्म, जैसे ही इज़ वेरी टॉल, वह बहुत लंबा है, ही इज़ वेरी स्लिम, वह बहुत दुबली पतली है, अलग इट इज़ वेरी कोल्ड, तो बहुत ठंडा है। आगे देखते हैं सो का प्रयोग, सो का प्रयोग वेरी के स्थान पर नहीं हो सकता। सो के वर्ड डैट का एवं टू के बाद टी ओ वाला टू का प्रयोग किया जा सकता है। जय बस आई वॉज सो हैप्पी इनकरेक्ट, तो आई एम वेरी हैप्पी, आई वॉज सो हैप्पी डैट। सो के साथ क्या रिलेशन बनेगा, डैट के साथ आई एम अनएबल टू कंट्रोल माई फीलिंग। आगे देखते हैं इनफ, इनफ के बारे में जानते हैं, एडजेक्टिव एवं एडवर्ब दोनों के रूप में कार्य कर सकता है। जब इनफ एडवर्ब का कार्य करता है, जब क्या करता है इनफ एडवर्ब का कार्य करता है, तो इसका प्रयोग उस एडजेक्टिव के बाद होता है जिसके लिए प्रयुक्त हुआ, और एडजेक्टिव के रूप में इसका प्रयोग नॉन प्रयोग उस नॉन के पहले होता है जिसके लिए प्रयुक्त हुआ। इसका प्रयोग नॉन से पहले एडजेक्टिव एडवर्ब के तुरंत बाद होता है, इसका प्रयोग क्या करते हैं नॉन से पहले एडजेक्टिव एडवर्ब के तुरंत बाद होता है, यानी सी इज वॉइस इनफ टू अंडरस्टैंड योर इंटेंशन, तो ही हैज़ इनफ मनी टू बाई दिस कार। तो इनफ का प्रयोग करते हैं दोनों में करते हैं, एडजेक्टिव और एडवर्ब में, ये बात ध्यान रखिएगा। इनफ के पहले हमेशा एडजेक्टिव एडवर्ब के पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग होता है, जैसे ही इज फास्टर इनफ टू डिफीट, ही इज फास्ट इनफ हो जाएगा। बागवान में पार्ट बी में फास्टर के मतलब फास्ट का प्रयोग होगा, बाग दो में पार्ट ए जैसे ही इज ब्रेवियस्ट के मतलब ब्रेव का प्रयोग होगा, पॉजिटिव डिग्री प्लस इनफ होगा। आगे देखते हैं येट, तो इनफ इसमें क्या सीखे हम कि इनफ का प्रयोग दोनों फॉर्म में करते हैं, या तो पॉजिटिव डिग्री में, सॉरी यहाँ पर इनफ का प्रयोग या तो आप एडजेक्टिव में भी कर सकते हैं और एडवर्ब में भी कर सकते हैं। आगे एट का प्रयोग देखते हैं, एट का प्रयोग अब तक अर्थात बोलने के समय तक, यानी अप टू द मोमेंट, टाइम ऑफ स्पीकिंग के अर्थ में, इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस में भर के बाद या भर प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। एट का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक में होता है, ना कि पास्ट टेंस में। एट का प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट के निगेटिव वाक्य में होता है, पास्ट टेंस में नहीं होता। यानी एट का प्रयोग अब तक, यानी अर्थात बोलने के समय तक, अप टू डैट मोमेंट तक, या टाइम ऑफ स्पीकिंग के अर्थ में, इंट्रोगेटिव तथा निगेटिव सेंटेंस में वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है, वर्ब के बाद या वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद होता है। जैसे द पोस्टमैन डिड नॉट कम इट, तो नहीं, द पोस्टमैन और प्रेजेंट परफेक्ट में होगा, पास्ट वाला में नहीं होगा। तो द पोस्टमैन हैज नॉट कम इट, डिडंट द पोस्टमैन कम, पास्ट वाले वाक्य में नहीं होगा, हैजंट द पोस्टमैन कम, प्रेजेंट परफेक्ट वाले वाक्य में इट का प्रयोग होगा। रूल अगला में एल्स का, एल्स के बाद बट का प्रयोग करें, रैदर अदर एवं अदरवाइज के बाद दैन का प्रयोग करेंगे। जैसे आई वुड रैदर डाई दैन वेग, तो रैदर के बाद दैन का प्रयोग करते हैं। जैसे ही इट इज़ नथिंग एल्स दैन सिल्स फुलिश, तो यहाँ पर बट का, एल्स के बाद क्या होता है बट का प्रयोग करते हैं, और रैदर के बाद क्या करते हैं दैन का प्रयोग करते हैं, यहाँ बट नहीं होगा दैन होगा। यहाँ पर क्या होगा, रोहित हैज नो वन एल्स टू टॉक टू एक्सेप्ट, बट नो वन एल्स के बाद बट हो जाएगा, यहाँ पर एल्स के लिए बट का प्रयोग करेंगे एक्सेप्ट के लिए। आगे देखते हैं एडवर्ब सेल्डम नाउ नेवर नथिंग हार्डली स्कार्ली नाइदर वेयरली रेयरली का अर्थ नकारात्मक होता है, इनका प्रयोग किसी दूसरे नकारात्मक शब्द के साथ ना करें। जैसे आई रेयरली वेंट टू मीट इन नोबडी, तो यूज एनीबडी इन प्लेस ऑफ नोबडी, आई रेयरली वेंट टू मीट नोबडी, नोबडी नेगेटिव है एनीबडी हो जाएगा।
शी हार्डली नोस नथिंग अबाउट मी, तो एनीथिंग लगाना है नथिंग की जगह पर, क्योंकि सेल्डम नोवर नेवर नथिंग हार्डली स्कर्सली नाइदर वेयरली रेली का अर्थ नकारात्मक होता है, इसलिए दोबारा नकारात्मक नहीं करेंगे। आई हार्डली नो समबडी इन द सिटी, तो आई हार्डली नो एनीबडी इन द सिटी। अगला नेगेटिव शब्द जैसे नॉट एवं नेवर का प्रयोग डिनाई फॉरबिड अनलेस अनटिल लेस्ट टू टी और टू वाला बोथ के साथ ना करेंगे, जैसे सी डिनाइड डैट सी हैड नॉट डन एनीथिंग रॉन्ग, तो यहाँ पर नॉट नहीं होगा, सी हैड डन एनीथिंग रॉन्ग, क्योंकि दो बार नॉट का प्रयोग एनीथिंग नेगेटिव वाले वर्ड में नहीं कर सकते हैं। सी डिनाइड के साथ नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, बोथ ऑफ अस आर नॉट गोइंग देयर, तो बोथ नाइदर ऑफ अस हो जाएगा, नाइदर ऑफ अस इज गोइंग देयर, नाइदर हो जाएगा, नॉट को दो बार का प्रयोग नहीं करेंगे। और अनलेस ही विल नॉट कम, अनलेस के साथ भी नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे, अनलेस ही कम आई विल नॉट गो। रूल चार होता है एडवर्ब एस का प्रयोग नीचे दिए गए वर्ब के साथ किया जा सकता है, रिगार्ड डिस्क्राइब डिफाइन ट्रीट व्यू नो, एडवर्ब एस का प्रयोग नीचे दिए गए एडवर्ब के साथ करते हैं, जैसे रिगार्ड डिस्क्राइब डिफाइन ट्रीट व्यू नो, एडवर्ब एस का प्रयोग नीचे दिए गए एडवर्ब के साथ नहीं होगा, लेकिन ये रिगार्ड अस डिस्क्राइब अस डिफाइन अस ट्रीट एस व्यू एस नोन एस कर सकते हैं, लेकिन नेम एस नहीं कहेंगे, elect as नहीं करेंगे, think as नहीं कहेंगे, consider as, call as, appoint as, make as, choose as नहीं कहेंगे। I regard him my brother, I regard him as my brother, तो add करना as after him, जैसे biology has defined as the study of organism, जैसे सी इज कंसिडर्ड अस द बेस्ट स्टूडेंट ऑफ, तो ड्रॉप एस आफ्टर कंसिडर्ड, सी इज कंसिडर्ड, कंसिडर्ड के बाद एस का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला द टीचर कॉल्ड हिम, यहाँ पर देखिए कॉल के बाद एस का प्रयोग नहीं करेंगे, कॉल्ड हिम स्टूपिड, इलेक्ट कॉल्ड थिंक कंसिडर्ड अपॉइंट मेक चूज, इसके साथ एस का प्रयोग नहीं करेंगे। द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम, अपॉइंट के साथ भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर अपॉइंट देखिए इसके साथ एस का प्रयोग नहीं करते हैं। ही थिंक हिम, थिंक के साथ भी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। आगे देखिए वाक्य में एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करें और फिर सब्जेक्ट का हेल्प, वाक्य में एडवर्ब के बाद क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, जैसे सेल्डम डस, सेल्डम के बाद एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना, नेवर सेल होगा हेल्पिंग वर्ब, नो सुनर डीड यानी हेल्प एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब, हार्डली हैड, सो क्विकली, तो एडवर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना। रूल छ में कि टू एंड एस वेल का प्रयोग बिसाइड इन एडिशन टू ऑल्सो के रूप में अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है, ऑल्सो का प्रयोग वाक्य के अंत में नहीं करना होगा, जैसे सी फाउंड हर बैग एंड मनी टू एस वेल। आगे देखते हैं सेल्डम और नेवर, सेल्डम इफ एवर लिटिल और नथिंग लिटिल इफ एनीथिंग का प्रयोग वाक्य में किया जाता है, परंतु सेल्डम और एवर या लिटिल और एनीथिंग कहना गलत होगा। वर्ब ऑफ सेंसेशन कौन कौन है, टेस्ट स्मेल फील अपीयर सीम साउंड एवं लुक, हमारे पांच इंद्रियों से संबंधित है, इनके बाद एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जो वर्ब ऑफ सेंसेशन के बाद एडवर्ब या एडजेक्टिव का प्रयोग नहीं करते हैं। आई लुक ऑनेस्ट, जैसे आई वर्क ऑनेस्टली ऑर्डिनरी वर्ब, आई फेल्ट बैड, आई सिंग बैडली, कुछ अनवर्ब जिनके साथ एडवर्ब नहीं एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, जैसे बी बिकम टर्न गेट ग्रो कीप मेक एंड प्रूव, ये देख लिए हम लोग। तो ये वाला था टॉपिक और आगे हम इसका प्रश्न उत्तर देखेंगे स्पॉटिंग द एरर। तो ये था आज का हमारा एडवर्ब का टॉपिक।